एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बात किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वो वाला फॉर्मूला देख चुके थे जिसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन हो फिर एरिया निकालो। ठीक, कुछ फॉर्मूला और भी ट्रायंगल का निकालते हैं जो यूज कोऑर्डिनेट पर होगा बट उसमें वर्टिसेस नहीं, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होगा। ठीक, टॉपिक डालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या तो पढ़ चुका होगा पहले, तुमने कभी यूज भी किया होगा। सर बेस गिवन हो, हाइट गिवन हो, इट्स ए बी सी डी, तो हाफ इंटू एरिया इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो ट्राइंगल में बोर्ड पे दिख रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये है और बेस ये है ना, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी, तो हाफ टाइम्स ए डी इंटू बी सी, हाफ टाइम्स ए डी इंटू बी सी। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, ट्राइंगल का दो साइड गिवन हो, दो साइड गिवन हो और दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं? ए बी सी, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, कोई भी दो साइड गिवन हो और बीच का एंगल गिवन हो। लेट से ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये एंगल है सी, इसका एरिया होता है डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी ए इंटू बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाफ ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर ये दोनों साइड नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हो अगर उसके बीच का एंगल पता हो तो। अगर पता हो लेट से एंगल ए, तो एरिया को ये भी लिख सकते हैं हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए, एरिया को ये भी लिख सकते हैं हाफ ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, सही है? तो दो साइड और उसी दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल अगर नोन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे आया मैं बता रहा हूं, चलो एक प्रूफ कर देते हैं। ये साइड गिवन है ए, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर कुछ नहीं पता है, चलो एक प्रूफ करते हैं, बाद में खुद ब खुद प्रूफ कर लेना। ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर डाले, अच्छा इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल नोन है, हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये लेंथ आएगा बी साइन सी, ये लेंथ आएगा बी साइन सी। इसको डाउट है इसमें? हाँ, परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का लेंथ बी कॉस सी होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, बी कॉस सी बी साइन सी, परपेंडिकुलर मिल चुका है, बेस मिल चुका है, तो हाफ ए इंटू बी साइन सी, हाफ ए इंटू बी साइन सी। क्लियर है? सिमिलरली अगर इस दोनों साइड का यूज और ये एंगल का यूज करोगे तो हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। नोट कर लो इसको, एक और फॉर्मूला थोड़ा यूज कर दो, लोन्स फॉर्मूला। अगर तीनों साइड गिवन है तो, तीनों साइड गिवन है तो लोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं ना। फोर्थ फॉर्मूला, ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, लेट्स से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, देन एरिया इक्वल्स टू, एरिया को डेल्टा से नोट कर रहे हैं, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is semi-perimeter, A plus B plus C by 2. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टोटल चार फॉर्मूला एडिंग को निकाल लेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेगा डिफरेंट डिफरेंट गिवन कंडीशंस पे। अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस एंड हाइट गिवन होना चाहिए, थर्ड फॉर्मूला दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन होना चाहिए, फोर्थ फॉर्मूला तीनों साइड गिवन होना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लें।
डेरिवेटिव चलो ए ऑफ पॉलीगन देखते हैं, पॉलीगन एन साइडेड पॉलीगन का देख लेते हैं, वो फॉर्मूला किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक। एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन चलिए एन साइडेड पॉलीगन ड्रॉ कर रहे हैं ठीक। एन साइडेड पॉलीगन है डॉट डॉट, इन बहुत सारा साइड है यहाँ पे, ये वर्टेक्स ए वन है, कोऑर्डिनेट इसका एक्स वन कोमा वाई वन, ये वर्टेक्स ए टू कोऑर्डिनेट एक्स टू कोमा वाई टू, ये वर्टेक्स ए थ्री कोऑर्डिनेट एक्स थ्री कोमा वाई थ्री डॉट, ये वर्टेक्स ए फोर कोऑर्डिनेट एक्स फोर कोमा वाई फोर, यहाँ बहुत सारा वर्टेक्स, कितना साइड शो कर पाएंगे, सारा साइड तो नहीं शो कर पाएंगे ना, एन साइडेड है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, थाउजेंड भी हो सकता है। तो डॉट 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 ये लास्ट वर्टेक्स ए एन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एन कोमा वाई एन, एक्स एन कोमा वाई एन, एक तो मेथड है कि सर नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल में डिवाइड करो, नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल में डिवाइड करो और हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लो, हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लो। तो एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन इक्वल्स टू, सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन ए थ्री ए फोर, ए वन ए थ्री ए फोर, ए वन ए थ्री ए फोर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन ए फोर ए फाइव, ए वन ए फोर ए फाइव डॉट 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 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए वन ए वन ए एन माइनस वन ए एन, सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे ठीक। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आज बताएंगे ठीक, कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे उस पे, डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 में, बस अभी हम लोग ना एक्सपेंशन उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो देख लेंगे ताकि उसको हम लोग यूज कर सके, क्लियर है, नोट कर लो। अच्छा नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल क्यों लिए, अगर मुझे ट्रायंगल को कुछ भी ले लेना ना, अगर ट्रायंगल मान ले एक ये ट्रायंगल लिए, एक ये ट्रायंगल लिए, कुछ भी कैसे भी ट्रायंगल बना रहे हैं, इसमें बहुत सारा ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत सारा एरिया मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जा रहा है ठीक। जैसे ये वाला एरिया देख सर, ये वाला एरिया ना इस ट्रायंगल में भी काउंट होगा, इस ट्रायंगल में भी काउंट होगा, तो ये वाला एरिया दो दो बार काउंट हो जा रहा है, ये वाला एरिया भी दो दो बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हमेशा हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल लेते हैं ठीक। और नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल कैसे लेंगे पता है, एक वर्टेक्स पकड़ो, उसको सारे वर्टेक्स से मिलाते हैं, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स सारे वर्टेक्स से मिलाते जाओ उसको ठीक, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल दिखने लगेगा ठीक है। और कितना नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल होता है, एन माइनस टू, क्योंकि इस वर्टेक्स से ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा और इस वर्टेक्स से ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, दोनों वर्टेक्स से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ए थ्री से लेके ए एन माइनस वन तक वहां तक वर्टेक्स फॉर्म होगा, टोटल एन माइनस टू नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल्स होता है। दूसरा मेथड एक स्टेयर्स मेथड यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का ही एक्सपेंड और इजी वाला फॉर्म है ठीक है, स्टेयर्स मेथड, स्टेयर्स मेथड वो सीधी वाला स्टेयर्स मेथड, ये क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस, एक लंबा सा सीढ़ी बना ले, मॉडुलस क्लोज, सीढ़ी के अंदर सारा वर्टेक्स लिख दो, एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री डॉट 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 एक्स
एन वाई एन और लास्ट में जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे क्लोज करना है एक्स वन वाई वन। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे सारों को लिखने के बाद उसी वर्टेक्स पे क्लोज करोगे फिगर को क्लोज करना है। ठीक है, उस वर्टेक्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। तो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा x एंड y1, ठीक है, माइनस माइनस सेकेंड ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। तो आएगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस डॉट 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 y एन x1 ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस क्लोज, यही होगा इसका एक्सपेक्टेड फॉर्म। इस फॉर्मूला से तो किसी भी पॉलीगन का निकाल सकता है, ट्रायंगल का भी निकाल सकता है, क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकता है, पेंटागन हेक्सागन एन साइडेड पॉलीगन का तुम लोग निकाल सकते हो, ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। आंसर एक ले, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। इस पहले इस तरह से एक हमेशा ना x से स्टार्ट करें, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस गिवन इन पोलर फॉर्म लेट्स से इफ ट्रायंगल है वर्टेक्स ए आर वन कोमा थीटा वन, वर्टेक्स बी एंटी क्लॉकवाइज, वर्टेक्स बी आर टू कोमा थीटा टू, वर्टेक्स सी आर थ्री कोमा थीटा थ्री। ये एंटी क्लॉकवाइज का ट्रायंगल को ना कोई भी पॉलीगन का नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज होता है। लॉजिक क्या है ट्रायंगल में, तो मतलब एरिया वगैरह का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अच्छा बात है ट्रिगो में कभी डिस्कस करते हैं, डिस्कस किए भी होंगे ट्रिगो में एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, तब ध्यान रखो कि हमेशा नेमिंग ना एंटी क्लॉकवाइज करना, कभी भी क्लॉकवाइज मत करना पढ़ना। अभी इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज है, और किसी भी पॉलीगन का नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। इसका एरिया होता है डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, अच्छा एक मतलब सर क्यों इसके लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखे, इसके लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्यों याद रखे, कितना टाइम लगता है पोलर टू कार्टेशियन चेंज को करने में, कितना टाइम, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं बिल्कुल, आप पोलर टू कार्टेशियन चेंज करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट बच्चा कोऑर्डिनेट में हम लोग फॉर्मूला इसलिए याद रखते हैं ना क्योंकि कहीं कहीं डायरेक्टली ये लिखा हुआ मिलता है, वहां से देख के समझना पड़ता है ये क्या लिखा हुआ है, तो वहां तो आपका वो काम करेगा नहीं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट में बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग एक्स्ट्रा याद रखते हैं क्योंकि बहुत जगह कहीं ये चीज यूज किया, लिख रहे हैं कितने ध्यान से, अगर ये यूज किया तो इसको देख के पता करना है कि वो क्या चीज है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ना ये है क्या चीज। इस टाइप से कॉर्डिनेट में कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा हो जाता है,
आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे भी याद है आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये होता आर वन आर टू साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस प्लस आर टू आर थ्री साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा थ्री प्लस आर थ्री आर वन साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा वन। मॉर्टस क्लोज सिमेट्रिकल फॉर्मूला भी है यार, मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है। आर वन आर टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा वन माइनस थीटा टू, आर टू आर थ्री साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा थ्री, आर थ्री आर वन साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा वन, साइक्लिक ऑर्डर में याद रह जाएगा। नोट कर लीजिए, अब तो ये गिवन रहेगा इसको, अगर तुमको नहीं पता है इसके बारे में और ये कहीं दिया हुआ तुमको आइडिया लगेगा कि क्या गिवन है, नहीं लगेगा ठीक, तो रखना है यार। बढ़िया नहीं, नेक्स्ट देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स आर गिवन, तीन स्ट्रेट लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, लेट्स से ए बी सी, तीनों स्ट्रेट लाइन मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है ठीक, तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। लेट्स सी, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये थर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो। फिर मन में आ रहा होगा सर इसके लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्यों याद रखे, जब हम लोग वर्टेक्स का इंटरसेक्शन, लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के वर्टेक्स निकाल सकते हैं, उसको यूज करके फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, तो क्यों याद रखे नहीं कम? इसमें नहीं भी आता तो चलेगा, बट कहते ना वही बात है कि फॉर्मूला कहीं डायरेक्टली यूज कर लेता है, फिर वहां से पता करना होता है वो क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और इसमें हाँ, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के मत करना, इसमें क्या करना, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना और इस पॉइंट से हाइट निकाल लेना इस लाइन का, और हाइट निकाल लेना तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लेना ठीक है। बट फॉर्मूला भी देख लो, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट वर्टेक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री होल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर है तो वर्टेक्स का कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय divided by a1 b2 minus a2 b1 into a2 b3 minus a3 b2 into a1 b2 study a2 use a3 b1 minus b3 a1 modulus close, यहाँ modulus है तो ये negative आ सकता है, मुझे कैसे पता है कुछ नहीं, इसका वैल्यू निकाले पहले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a1 b2 a2 b1, सिमिलरली इस दोनों को a2 b3 a3 b2, सिमिलरली थर्ड और फर्स्ट को a3 b1 b3 a1 ठीक है। याद रखना रख सकते हो, नहीं याद रखना नहीं भी रख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बोलूंगा याद रखो, मुझे भी याद है तुम लोगों को भी याद रहना चाहिए ठीक है।
क्वेश्चन जितना एक्चुअली ना कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी दिखता है। लेंथी से लेंथी क्वेश्चन बहुत आसानी से यूज करके बना सकते हैं हम लोग, इसको यूज होता है, मानो ये यूज होता है, ठीक, इसलिए मुझे याद है, वरना मुझे भी याद नहीं होता। नोट कर ले, किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन वर्टेक्स आर गिवन। बढ़े आगे, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम वन एक्स प्लस सी वन इस फॉर्म में गिवन है, ये लाइन y equals to m2x plus c2 और ये लाइन y equals to m3x plus c3 इस फॉर्म में गिवन है, वही फॉर्मूला रिड्यूस करके, उसी फॉर्मूला को रिड्यूस करके डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ C1 minus C2 whole square divided by M1 minus M2 plus C2 minus C3 whole square divided by M2 minus M3 plus C3 minus C1 whole square divided by M3 minus M1 mod close bracket close ठीक है। तो अगर जो पहले क्वेश्चन लिखवाया था ना उसमें अगर डिटरमिनेंट लिखना हो, उसको एक्सपेंड करना लेंथी हो रहा हो, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में सेट करना होगा, ठीक है। लाइन अगर अगर जनरल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में पहले सेट करोगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। यहाँ कोई डिटरमिनेंट नहीं है, मॉडुलस है, दिस प्लस दिस प्लस दिस का होल मॉड। नोट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना कि जितना भी फॉर्मूला लिखा है ना एरिया वाला, सब मॉडुलस के अंदर है, सारा फॉर्मूला मॉडुलस के अंदर है, एरिया का भी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी तीन पॉइंट को कोलिनियर होने का कंडीशन, एक पॉइंट यहां है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे ना, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट x3, y3, तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, एरिया जीरो होगा, सो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल का एरिया जीरो, एरिया वाला जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था दिस इक्वल्स टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स, तीन लाइन कॉन्करेंट है उसका कंडीशन, तीन लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है मीन्स एक ही पॉइंट से पास कर रहा है,
सर यहाँ भी ये तीनों लाइन मिलकर ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाएगा, और ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाया तो एरिया जीरो। और याद कर कॉन्करेंसी वाला का जो लाइन से स्ट्रेट लाइन से ट्रायंगल बनाते हैं उसका एरिया निकाले तो डिटरमिनेंट में a1b1c1 a2b2c3 a3b2c2 a3b3c3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ कुछ था लंबा सा ना, उसको जीरो होना चाहिए। तो कंकरेंसी लेट से ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू जीरो। तो इस कंकरेंसी का होता है a1b1c1 a2b2c2 a3b3 c3, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। ठीक है, लिखे करो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 10 मिनट बस, क्योंकि हर जगह डिटरमिनेंट यूज हो रहा है ना, क्वेश्चन कहीं भी लेंगे तो डिटरमिनेंट का यूज होगा। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, सही है। सो एक डिटरमिनेंट है, डेल्टा से जनरली शो किया जाता है, ऐसे कैपिटल अल्फाबेट से भी ए बी सी से भी शो कर सकते हो। डेल्टा इक्वल्स टू, इसमें एलिमेंट है a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a11, a12, a13, ना रो कॉलम को शो करता है, मतलब 1-1 लिखा हुआ मींस 1-1 लिखा हुआ मींस जैसे aij लिखा हुआ है ना, aij दैट मींस ये ith रो का एलिमेंट है, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो 1-1 a11 का मतलब A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 1-2 मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1-3 मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो क्या होगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो एक डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है। डिटरमिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। Equals to order of determinant, order of determinant. ये थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, और हम लोग को कोऑर्डिनेट में जो भी फॉर्मूला आएगा ना वो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का ही आएगा। ठीक, बाकी बात में देखेंगे, इसको भी एक्सपेंड करना सीखते हैं। ठीक है, बड़े आगे। अच्छा, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो के क्रॉस हो सकता है या किसी भी कॉलम के क्रॉस हो सकता है।
दैट मीन्स इस रो के अक्रॉस एक्सपेंड कर सकते हो, जो काम अभी हम लोग फर्स्ट रो के क्रॉस करेंगे ना वही काम किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हो, किसी भी कॉलम के क्रॉस कर सकते हो, डिटरमिनेंट के वैल्यू में एक्सपेंशन के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो देखते हैं। एक्सपेंशन रो वन के लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक, रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, तो डिटरमिनेंट में ना हर पॉइंट का, हर पार्ट, हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर पोजिशन होता है, उस पोजिशन के अकॉर्डिंग साइन है। पहला प्लस साइन का होता है, दूसरा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे हमेशा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जो एलिमेंट देगा देगा, उसके बाद जब एलिमेंट को उठाएंगे तो उस साइन के साथ। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, पहले इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, तो पहले इस एलिमेंट को लो a11 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ दो, जिस रो में लाई कर रहा उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा उस कॉलम को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। ये जिस रो में लाई कर रहा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई कर रहा उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, तो a22 into a33 माइनस a23 into a32। ठीक है, चलो इस एलिमेंट का काम हो गया। अब यही काम इस एलिमेंट के साथ भी करना है, बट इस एलिमेंट को उठाओगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना, तो माइनस a12 into, जिस रो में लाकर उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाकर उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो a21 a33 माइनस a31 a23। ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट का काम हो गया। थर्ड एलिमेंट का, तो इसको उठाओगे तो प्लस साइन के साथ ही उठाना, तो प्लस a3 into, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, a21 a32 माइनस a22 a31। हो गया, ये होगा निकनाम का एक्सपेंशन। फिर से बोलते चलो, किसी भी रो के क्रॉस ये काम कर सकते हो, किसी भी कॉलम के क्रॉस ये काम कर सकते हो। हम अभी जो मैं कर रहा हूं ना, वो रो वन के क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आप रो टू के क्रॉस भी कर सकते हो, रो थ्री के क्रॉस भी कर सकते हो, कॉलम वन के क्रॉस भी कर सकते हो, कॉलम टू के क्रॉस भी कर सकते हो, कॉलम थ्री के क्रॉस भी कर सकते हो। तो टोटल सिक्स, तीन रो और तीन कॉलम, टोटल सिक्स वेज है इसको एक्सपेंड करने का। क्लियर है? चलो, रो रो वन के हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो वन में तीन एलिमेंट है। पहले a11 को लिए, वो जिस रो में लाए कर उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाए कर उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, जो स्टेयर्स में किया था। तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, देखो वही लिखा हुआ है, a22 a33 a23 a32। सही है, इसका काम हो गया। अब इस रो का सेकेंड एलिमेंट, इसको लो, बट इसको लोगे तो साइन के साथ माइनस, यहां भी साइन के साथ ही है प्लस, इसको लोगे साइन के साथ तो माइनस a12 इनटू, जिस रो में लाइक रहा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाइक रहा उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो। क्या दिख रहा है बताओ? तो सर a21 a33 माइनस a31 a23, वही लिखा हुआ देख, ये दोनों एलिमेंट हो गया इस एलिमेंट के क्रॉस। तो इस एलिमेंट का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस के साथ उठाओ, प्लस के साथ उठाओ a13 into, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो,
जिस कॉलम में लाए कर रहा उस कॉलम को हटाओ, जिस रो में लाए कर रहा उस रो को भी हटाओ, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, A21, A32, A31, A22, चेक कर ले, सही लिखा हुआ है। चलो एग्जांपल लेके दिखाते हैं कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। डेटा इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 2 3 2 1, इसको एक्सपेंड करना है ठीक। किसी भी रो के क्रॉस कर सकते हो, चलो फर्स्ट रो के क्रॉस करते हैं। तो पहले इस एलिमेंट को उठाएंगे 1 इन 2, जिस रो में लाया था उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाया था उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इन 2 1 1 इन 2 1 -2 इन 2 2 ठीक है। अब इस एलिमेंट को उठाओ, इस एलिमेंट को उठाओ, ये जिस रो में लाए कर उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाए कर उस कॉलम को हटाओ। अच्छा, इस एलिमेंट को उठाओगे तो साइन के साथ, तो प्लस टू नहीं लिखेंगे माइनस टू लिखेंगे ठीक, साइन के साथ। तो इस पोजीशन का साइन माइनस होता है, देख ले, साइन से रट्टा मार के याद रखना क्या नहीं बचा, ऑल्टरनेट साइन देख रहा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कहीं से भी उठाओगे अल्टरनेट साइन देख ले। तो माइनस टू इन टू, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, बचे हुए एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 2 इन 2 1 -3 इन 2 2, प्लस थर्ड एलिमेंट को उठाए प्लस साइन के साथ आएगा 3 इन 2, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, 2 इन 2 2 4 -3 2 into 2 -3 into 1, चेक कर ले। किसको डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम, कोई कष्ट, पढ़ सकते हैं आगे, निकाल ले वैल्यू, 1 -4 -3 -2 into 2 -6 -4 +3 into 4 -3 1, तो +3 -3 कैंसिल हो गया, 4 into 2 8, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 8 क्या? इसको एक्सपेंडेड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8। सर अब एक बार चेक करके दिखा दो ना कि कोई और रो या कॉलम लोगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सेम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं अक्रॉस कॉलम 3, अक्रॉस कॉलम 3 सेम को यही वैल्यू आना चाहिए, यही वेरीफाई कर रहे हैं कि जो बोल रहे ना बार बार किसी रो के क्रॉस कर लो, किसी कॉलम के क्रॉस कर लो, डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अभी जो वैल्यू निकाले वो रो 1 के क्रॉस निकाले, अब जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो कॉलम 3 के क्रॉस, अक्रॉस कॉलम 3 C3 कॉलम 3। चलो डेल्टा इक्वल्स टू कॉलम 3, पहला एलिमेंट उठाओ 3, पोजीशन प्लस है तो प्लस 3 रहेगा इन टू, इसको छोड़ दिए, जिस कॉलम में लाए कर उस कॉलम को हटाओ, जिस रो में लाए कर उस रो को हटाओ, बचे हुए को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 2 इन टू 2 -3 इन टू 1, चेक कर ले सही लिखे। अब इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, बट ये सब नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना क्योंकि उसका पोजीशन नेगेटिव साइन है, तो -2 इन टू, इस रो इस कॉलम को छोड़ दे और इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बचा, तो 1 into 2 -3 into 2 1 into 2 -3 into 2 चेक कर ले। थर्ड एलिमेंट उठाओ 1 + 1 into, इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एक बार ढंग से देख ले, किसी कुछ डाउट है नहीं, सर बढ़ते आगे, ये आएगा 4 -3 1 1 into 3 3 वो आएगा -4 into 2 +8 और ये हो जाएगा -3 3 3 कैंसिल वैल्यू आ गया 8 तो सेम आया ना, मतलब तो कैसे भी एक्सपेंड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लिख ले इसको।
शुरू करते हैं आगे, एक और लेते हैं तो आप यहाँ निगेटिव को डाल के, अभी सारा पॉजिटिव एलिमेंट ले लिए थे ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 1 - 3 - 3 - 1 - 2 - 4 - 3 - 5 Expand it across row two के across expand करना, ठीक, try करो खुद से। तो देखते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू रो टू मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला सेकंड रो, पहले ये एलिमेंट उठाए, इस एलिमेंट को माइनस थ्री लिखेंगे क्या? नहीं सर, इसका ना पोजीशन नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा साइन भी आएगा, माइनस ऑफ माइनस थ्री इन टू, चेक कर ले, डाउट है किसी को? जो यहाँ पे एलिमेंट होता है उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगेगा ना, क्योंकि इसका पोजीशन नेगेटिव है, माइनस थ्री तो एलिमेंट है, एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, ठीक, इन टू। अब इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, ये जिस रो में लाएगा ना उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा ना उस कॉलम को हटाओ, बचे हुए एलिमेंट को क्रॉस, -1 - 5 - 1 - 5 -3 - -3 - 3, ठीक है। दूसरा एलिमेंट इसको उठाते हैं, साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं सर, तो प्लस पोजिशन है, साइन मत चेंज करो, तो +1 - +1 - इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 - 5 - 4 - 3 2 - 5 - 4 - 3 थर्ड एलिमेंट उठाओ, इसको क्या प्लस टू लिखेंगे? नहीं सर, इसको ना माइनस टू लिखोगे, क्योंकि इसका पोजीशन नेगेटिव है, तो -2 - (2) इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 2 - -3 - 4 - -1 2 - -3 - 4 - -1 ठीक है, निकालो वैल्यू, ऊपर आ जाएगा 3 - 2 - 9 - 5 - 4 - 1 - 10 - 12 - 2 - 2 - 6 - 4 - 2 12 - 2 - 4 - 16 - 2 - 14 इसका नेट वैल्यू आया 14, ठीक है। से देख ले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं कर रहे हैं, एरिया में सही कुछ आएगा ही। डाउट है इसमें? नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, खुद से वेरीफाई करना, खुद से निकाल के वैल्यू चेक कर लेना कि कहां प्लस माइनस कैसे लिया जा रहा है। क्वेश्चन लिख, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices capital A 3, 2 capital B 11, 8 and capital C 8, 12 जल्दी से ऐसा कुछ भी नहीं, किसी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक, 3 - 2 - 1 - 11 - 8 - 1 - 8 - 12 - 1 एक्सपेंड करो, हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ
थ्री रो वन के लोग स्पेंड कर रहे हैं तो थ्री इंटू इसको छोड़ दी एट माइनस ट्वेल्व एट इंटू वन एट ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व एट माइनस ट्वेल्व माइनस टू इंटू इसको छोड़ दी इलेवन माइनस एट प्लस वन इंटू इसको छोड़ दिए इलेवन इंटू ट्वेल्व कितना हुआ 132 ना 132 माइनस 64 एक मिनट 11 इंटू 12 132 होगा 120 प्लस 12 हाँ 132 होगा और यार चलो मॉडल्स क्लोज कर लो तो ये आ गया हाफ ऑफ डिटरमिनेंट मॉडल्स ऑफ 3 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 132 माइनस 64 कितना हो चल 70 36 36 38 68 तो हाफ ऑफ जाएगा माइनस 12 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस 60 50 50 बाई 2 25 एरिया हो गया 25 यूनिट स्क्वायर स्क्वायर में कुछ भी लिख ले 25 यूनिट स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल Find the area of triangle whose vertices are capital A T comma T minus 2 capital B T plus 2 comma T plus 2 T plus 2 comma T plus 2 and capital C T plus 3 comma T. So please determinant use karna kyunki thoda seekhna hai usko kuch nahi koi bhi form jo expected form jo x1 into y2 minus y3 likha tha na wo bhi aap use kar sakte ho bilkul use kar sakte ho but please abhi determinant use karna kyunki thoda sa familiar hona usse ट्राई करो चलो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ T minus 2, 1 second vertex T plus 2, 1 and third T plus 3, T1 modulus close half T into ये प्लस पोजीशन है ऐसे उठा ले टी इनटू दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस देखो टी कैंसिल हो जाएगा टू बचेगा ना अब सेकंड एलिमेंट इसको उठा रहे हैं विद साइन उठाना होगा ना तो माइनस माइनस ऑफ टी माइनस टू इनटू इनटू इसको छोड़ दिया दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो आ जाएगा माइनस वन चेक कर ले माइनस वन आ जाएगा प्लस वन इंटू इसको छोड़ दो this into this minus this into this so t into t plus 2 minus t plus 2 into t plus 3 t plus 3 check कर लेते हैं इसको down भी है half times modulus of 2t ये हो जाएगा 2t
प्लस टी माइनस टू प्लस टी प्लस टू कॉमन निकाले, टी प्लस टू कॉमन निकाले, टी माइनस थ्री आ जाएगा, सिंपली माइनस थ्री, टी कैंसिल हो गया माइनस थ्री, तो कितना ये देख, हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ थ्री टी माइनस टू, थ्री टी माइनस टू, और यहाँ प्लस थ्री टी माइनस सिक्स, प्लस थ्री टी माइनस सिक्स, सही है, थ्री टी कैंसिल हो गया, सिक्स टू एट, एट बाई टू फोर, फोर स्क्वायर यूनिट, फोर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया आ गया फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD having vertices capital A 1,1, capital B 7,-3, capital C 12,2 and capital D 7,21। स्टेयर्स मेथड यूज करना, दो ट्राइंगल में डिवाइड करके तो बना ही लोगे ना, प्लीज स्टेयर्स मेथड यूज करना, ठीक, स्टेयर्स मेथड। चलो, तो एरिया डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ स्टेयर्स के अंदर 1,1, 7-3, 12,2, 7,21, फिर से 1,1, तो जहां से स्टार्ट को वहीं पे एंड करना, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में इधर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअली इधर से 1 × -3 -3, 7 × 2 = 14, 12 × 21 कितना होगा, 12 × 21 कितना होगा, 21 × 10, 210 + 42, 252 plus 7 माइनस, दूसरे ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 7 × 1 = 7 - 36, 7 - 36 प्लस 14 + 21 + 14 + 21, चेक कर ले, ये हो जाएगा एरिया, कर ले मॉडिफाई, हाफ कितना हो जाए, 7 = 21 - 3 = 18, 60 = 270, 270 माइनस 14 + 21 = 42, 42 - 36 6, 270 - 6, 264 by 2, 264 by 2, 132 square unit, 132 square unit. जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
For what values of k? For what values of k? Values of k are the points. Are the points? Points k comma 2 minus 2k. K comma 2 minus 2k. Comma minus k plus 1 comma 2k and 4 minus 4 minus k comma 6 minus 2k are collinear. Are collinear. Are collinear. K का वैल्यू निकालो सच दैट ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. K का वैल्यू निकालो सच दैट ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. जल्दी ट्राई करो. तो देखते हैं अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आना चाहिए ना. एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आना चाहिए. तो k 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k 1 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k 1 इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए. देखते हैं तो हाफ अच्छा हाफ का ऐड है मॉडुलस भी नहीं है. ब्रैकेट k इनटू एक्सपेंड करो इसको k इनटू 2k माइनस 6 दिस इज 6 माइनस 2k. अच्छा देख गौर से देखते हैं ठीक. सेकेंड एलिमेंट क्या है माइनस साइन के साथ खाएंगे 2 माइनस 2k इनटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो माइनस k प्लस 1 माइनस one into this minus minus 4 minus k check karne sahi hai. Third element plus 1 into this into this so minus 2k into minus 4 minus k minus sir ulta likhiye pehle ye wala hoga na minus k plus 1 into 6 minus 2k minus this into this 2k into minus k minus 1 चलो मल्टीप्लाई करो ये कितना आएगा 4k minus 6 k into ये 4k minus 6 हो जाएगा minus 2 minus 2k into चलो k कैंसिल प्लस क्या आएगा माइनस k कैंसिल हो गया कांस्टेंट में 4 plus 1 5 आएगा 5 प्लस 1 into इसको मल्टीप्लाई कर माइनस 6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2k और यहां से आएगा प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k प्लस 2 कैंसिल तो दिस इक्वल्स टू 0 सारा 0 हो जाए ठीक ध्यान रखना. ये आ गया तुम्हारा 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2 प्लस सॉरी 4k स्क्वायर माइनस 6k और ये आएगा माइनस 10 प्लस 10k माइनस 6k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर 8k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k माइनस 12k कांस्टेंट दे अच्छा माइनस 12 प्लस 10 दिया ना तो माइनस 2k माइनस 2k कांस्टेंट माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 0
4k² माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चेक करने के बाद सही लिखे सारा जल्दी। नीचे कुछ तो गड़बड़ है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सही नहीं आया, क्वाड्रेटिक सही नहीं चाहिए। ये टर्म चेक कर दो, ये टर्म कहीं गड़बड़ है। के का टर्म कहाँ कहाँ से आया, एक टर्म यहाँ से आएगा माइनस सिक्स के, सही है। के का टर्म एक यहाँ से भी आएगा के के प्लस 10k, ये भी सही है। इसमें देख, उसमें देखो तो माइनस 6k सही है, माइनस 6k माइनस 2k प्लस 2k फिर बस कैलकुलेशन चेक कर लें फिर से। तो ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, के का दो वैल्यू निकाल लो, ठीक जो भी आएगा आएगा, ठीक है। फिर एक चीज सर, क्या एक्सटेंशन इतना ही लेंदी होगा हमेशा? नहीं लेते, अभी हम लोग प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, अभी हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करने, बहुत सारे प्रॉपर्टी यूज करके ना बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैक्स प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, अभी से कैलकुलेशन चेक करो। जो आंसर आया आंसर है इसका के इक्वल्स टू हाफ और के इक्वल्स टू माइनस वन, के इक्वल्स टू हाफ और माइनस वन, चेक कर ले आंसर, ठीक है। एक्सपेंसिव इतना लेंदी नहीं होगा इसका, जब प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लोगे तो, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद एक्सपेंसिव इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कर देंगे ना लास्ट टर्म में देखो तो लास्ट टर्म 1 × -k + 1 × 2k × ये टर्म 2k - 4 - k - k - 4 - k - 4 तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 16, ये 16 क्या आएगा, 2 के नहीं आएगा 16 के आएगा। अब देख, अब फाइनली कितना 16k - 8k रह जाएगा, वहां से 8k वहां से आया प्लस 8k 18 - 6 सही है ना, वहां से आएगा प्लस 8k। वहां से के पूरा कैंसिल है 8k और ये -8k कैंसिल, और यहां से आएगा तुम्हारा 10k - 6k तो +4k तो +2k, 4 से डिवाइड करो 2k² + k - 1 = 0। अब सही है, अब सही फैक्टराइज करना आंसर आ जाएगा। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट इसको एज अ पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन है पॉइंट एज अ पॉइंट याद रखना. इफ द वर्टिसेस ऑफ if the vertices of a triangle have rational coordinates then the triangle cannot be equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना कभी भी रैशनल कोऑर्डिनेट पर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कभी भी रैशनल नहीं आ सकता है, कभी भी रैशनल नहीं आ सकता है. ठीक, लेट्स से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3. ठीक है, सही है. So, इसका कोई भी साइड निकाले, कोई भी एक साइड, लेट्स से ये साइड है ए, ए इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर आ गया, बड़ा एरिया आ गया ना, एरिया इक्वल्स टू रूट थ्री बाई फोर टाइम्स साइड स्क्वायर. सही है तक? ब्रेगे कितना था इसे? ठीक है, एरिया हमने रूट थ्री बाय फोर टाइम्स साइड स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहां से डिटरमिनेंट से भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 quarters के अंदर. ठीक है, अच्छा यहां से एरिया निकालोगे तो रैशनल आएगा ना, सोच के देख. तो यहां से एरिया निकालोगे तो x half times x1 into y2 - y3 plus x2 into y3 - y1 plus x3 into y1 - y2. यहां से एरिया निकालोगे तो रैशनल एरिया आएगा, और यहां से इरेशनल एरिया आएगा. गौर से देख, ए स्क्वायर तो रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे रैशनल नंबर आएगा, बट रूट थ्री बाई फोर ये तो इरेशनल है ना, तो यहां से एरिया निकालोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल. और यहां से एरिया निकालोगे रैशनल आएगा. तो ये पॉसिबल है क्या? दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स कभी इंटीग्रल, सॉरी कभी रैशनल वर्टिसेस हो ही नहीं सकता. इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स कभी रैशनल हो ही नहीं सकता साइमल्टेनियसली. हाँ, एक वर्टेक्स रैशनल हो सकता है, दो वर्टेक्स रैशनल हो सकता है, पर तीनों का तीनों वर्टेक्स एक साथ रैशनल हो जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक, कंट्राडिक्शन आ गया ना, एरिया वहां से निकाले तो रैशनल आया, यहां से निकाले तो रैशनल आ गया, पॉसिबल ही नहीं है. तो रैशनल कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, नोट कर ले. जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एज अ थ्योरी भी याद रखना. ठीक, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स कभी रैशनल हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
if the coordinates of question if the coordinates if the coordinates of two points A and B are 3,4 and 5,-2 respectively, find the coordinate of any point P, find the coordinate of point of any point P if PA equals to PB given an area of triangle PAB is 10 square unit. Area of triangle PAB is 10 square unit. Try करो. Try करो कीजिए. चलो पहले तो given है PA equals to PB. PA equals to PB से रिलेशन निकाल लो. तो let P point को ना assume करो x को y. Let P be x comma y. तो PA equals to PB use करते हैं. P से A का लेंथ निकालो तो x minus 3 whole squared plus y minus 4 whole squared equals to PB. X minus 5 whole squared plus y plus 2 whole squared. Expand करो तो cancel होता है cancel करो. X squared minus 6x plus 9 plus y squared minus 8x plus 16 equals to x squared minus 10x plus 25 plus y squared plus 4y plus 4. X squared y squared cancel. X 10x को इस साइड डाल तो 4x आ जाएगा. Y को minus 4y को इस साइड डाल minus 12y हो गया. Constant देखो 16 plus 9 25 cancel. 4 को इस साइड डाल minus 4 हो जाएगा. एक लीनियर इक्वेशन आ गया x minus 3y minus 1 equals to 0. एक इक्वेशन वहां से आएगा सॉल्व करके निकाल लेंगे x y. एक इक्वेशन एरिया यहां से आएगा यहां से एरिया वाला. क्लियर जल्दी. चलो सुनेंगे तो भी एक एरिया की तरह टेन ना डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ तीनों वर्टेक्स का यूज करो. एक वर्टेक्स है एक्स कोमा वाई एक्स वाई 1 3 4 1 5 -2 1 इसका वैल्यू की वैल्यू 10 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो मॉडुलस ऑफ x into 4 into 1, 4 plus 2, 6 plus minus y into 3 minus 5, minus 2 plus 1 into minus 6, minus 20, minus 26, minus 6, minus 20, minus 26 equals to 20. Modulus get the 6x plus 2y minus 26 equals to 20. मॉडुलस को ब्रेक करोगे दो साइन आएगा प्लस एंड माइनस. एक हो गया 6x plus 2y minus 26 equals to 20 और एक हो जाएगा 6x minus 2y plus 2y minus 26 equals to 20. दूसरा वाला होगा 6x plus 2y minus 26 equals to minus 20. एक इक्वेशन यहां से आएगा 46x plus 2y minus 46 equals to 0 तो 3x plus y minus 23 equals to 0. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये यहां से सॉल्व कर
6x plus 2y minus 6 equals to 0, 3x plus y minus 3 equals to 0, 30%. इबार 1-2 को सॉल्व करके एक पॉइंट आएगा, इबार 1-3 को सॉल्व करके एक पॉइंट आएगा. तो p का दो पॉसिबल वैल्यूज है, p का दो पॉसिबल वैल्यूज है, निकालो क्या क्या होगा. चलो बढ़ते आगे, सॉल्व करो. सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस y माइनस 23 इक्वल्स टू 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ 9 और यहाँ 3. अब दोनों को माइनस करो, माइनस करेंगे तो 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू आ गया 2. अब y को पुट करो 2 तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, एक पॉइंट हो गया 7.2. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, तो x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 3 माइनस करो दोनों को, 10y इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू 0 लेके x आ जाएगा 1. तो एक p का पॉसिबल वैल्यू आया 1.0 और दूसरा वैल्यू आया p का, p का दो दो पॉसिबल वैल्यू है 7.2. ध्यान से देख ले, कुछ डाउट है तो पूछ लेना. चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया का एक लास्ट क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल formed by the lines formed by the lines 7x minus 2y plus 10 equals to 0, 7x plus 2y minus 10 equals to 0 and 9x plus y plus 2 equals to 0. विदाउट सॉल्विंग द वर्टिसेस, जो फॉर्मूला यूज करना, ठीक, जो फॉर्मूला लिखवाए थे ना यूज करना, याद तो होना चाहिए ना. क्या था फॉर्मूला, मैं फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक. डेल्टा इक्वल्स टू ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू ए टू बी वन, ए टू बी वन इन टू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू इन टू ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री, यही होगा, ठीक है. ये मॉडल से अंदर ये फॉर्मूला होता है, इसी को यूज करना है. इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 9x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो एरिया इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 7 माइनस 2 10, 7 माइनस 2 10, 7 प्लस 2 माइनस 10, 7 प्लस 2 माइनस 10, थर्ड है 912, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, देखो ये स्टेप ए वन बी टू तो 14 माइनस ए टू बी वन, एक माइनस पहले से एक प्लस यहां से आएगा, फिर से 14 आ जाएगा, इनटू
7 into 1 7 minus 9 into 2 18 सही है तो प्लस 2 लिखा हुआ है थर्ड आएगा a3 b1 minus 18 minus 7 मॉडल्स के अंदर इसी को से मॉडिफाई कर लेना आंसर मैं लिख दे रहा हूं आंसर को मैच करोगे आंसर है 686/275 686/275 स्क्वायर होगी ठीक है एरिया कंप्लीट हो गया आज क्लास में यहीं पर रहते हैं बाय नोट करना इसको